टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। बुग्गी के लिए साइड मांगना युवक को इतना भारी पड़ गया कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके पिता व भाई बहन को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। दरअसल मामला परतापुर थाना क्षेत्र के सोलाना गांव का है। रात करीब 8 बजे आमिर बुग्गी से भूसा लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बीच सड़क पर आफाक खड़ा हुआ था, जो पूर्व प्रधान अफजाल का भतीजा है। उसने आफाक से साइड होने को कहा तो वह भड़क गया और गाली गलौज पर उतर आया। दोनों में कुछ देर कहासुनी चलने के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह मामला शांत कराकर दोनों को घर भेज दिया। लेकिन आफाक कहां मानने वाला था, वह अपने कुछ साथियों को लेकर आमिर के घर पहुंचा और आमिर पर तमंचे से दो फायर कर दिए। एक गोली आमिर के सिर और दूसरी गोली उसके पेट में लगी है। आमिर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब पिता इसरार बेटे को बचाने के लिए दौड़े तो उनके साथ भी मार पिटाई कर लहूलुहान कर दिया गया। वहीं छोटे भाई आयान और बहन नविशा को भी खूब पीटा गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले ही हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने आरोपी के घर की महिलाओं को हिरासत में लेकर देर रात थाने में बैठाया। पीड़ित पक्ष ने चार लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसार है जी। जो क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई जी, उसकी ट्रॉली लेके आ रहा था लड़का और ये 5-6 जने खड़े थे रास्ते में। इन्होंने कहा कि भैया हट जाओ, भूस की ट्रोली है, कभी भूस भी घर जाओ और संजाओ। इन्होंने छुट्टी गाली दी। गाली देने पे इसने यू कही कि बदमाशी चल रही है क्या तुम्हारी? इनने यू कही हाँ चल रही है। तो इसने हमारे भतीजे ने ये कही जे चल रही होगी जाओ करे कर लिए। बस इतनी बात पे इन्होंने घर जाकर मारा जी। तो इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ जी, एक आदमी पकड़ा गया है। क्या नाम है? नासिर। नासिर है सर, आदिश का भैया। आदिश का बाप? आदिश का बाप है सर नासिर। आज घटना हम बस लेकर आ रहे थे जी, और जो गांव का मेन चौराहा आंगनवाड़ी के पास में जी, वहां पे वे बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? जो अपोजिट पार्टी थी यार, इसमें अफजाल और मारूफ का लड़का, ये 5 आदमी थे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वहाँ रास्ते के ऊपर थोड़ी सी बोलचाल हुई, वहाँ आदमियों ने बीच बिछावा कर दिया जी। वहाँ से हम ट्रैक्टर लेकर आगे चले गए। ट्रैक्टर घर में अंदर बाड़ा था, जब भी उसे बाहर खींचकर वहीं गेट पे गोली मारी उन्होंने। किसका मारी गोली? उसका आमिर के। कितनी गोली मारी? गोली एक ही मारी है, बिल्कुल सटाके गले पे ऐसे। तो आमिर की हालत कैसी है? वो तो खत्म हो लिया। इस बारे में SSP रोहित सिंह सरजवान ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। ये थाना प्रतापपुर के अंतर्गत सोलाना गांव पड़ता है। इसमें एक युवक जो है वो रास्ते में खड़ा था और जो 3-4 युवक थे वो बुग्गी लेकर जो है उसमें भूसा लेकर आ रहे थे और रास्ते से साइड निकलने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें गाली गलौज हुई। उसके बाद जो बुग्गी जो सवार युवक थे उनके द्वारा उनके परिजनों से मारपीट भी की गई और जो युवक था उसको गोली मारी गई, जिसके इलाज के लिए परिजन हॉस्पिटल लेके गए थे और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो जिन अभियुक्तों के द्वारा ये घटना की गई है उसको उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है और अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी की पहचान हो चुकी है सर अभी? नहीं। हाँ, युवकों के नाम जो है घर वालों के द्वारा बताए गए, वो गाँव के एक ही समुदाय के दोनों लोग हैं और इसमें उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें।